हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज हम अपने सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बस इतना देखा है कि हमको सॉलिड होता क्या है, ठोस होता क्या है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की NCERT का चैप्टर नंबर 1 ना, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो आइए अब हम देखेंगे उसी का पार्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करिए, वीडियो पे अपने सुझाव हमको दीजिए और जो है चैनल को ज़रूर ही ज़रूर सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप उसको दाबेंगे तो आपको जो है एक घंटी आएगी और जैसे ही घंटी को आप दाबेंगे आपको 3 ऑप्शन आएंगे और ऊपर वाला जो है ऑप्शन आप दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको सूचना मिल जाएगी और आप वीडियो देख लेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और 100% NCERT आपको पढ़ने को मिलेगा। आप 100% NCERT पढ़िए, क्योंकि अगर आपको नीट या JEE क्वालिफाई करना है तो NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। आइए, और आपका ये लेक्चर पूरा हिंदी में है तो अब हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसको लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉलिड। जिनको नोट्स बनाना है वो कॉपी पेन लेके बैठे हैं। ठोस के प्रकार क्या लिखते हैं, ठोस के प्रकार, चलिए लिखते हैं। अब हमारे पास जानते हैं कि ठोस क्या होता है, हम लिखेंगे ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, के होते हैं। तो उन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, एक लाइन बना के दोनों को लिखते जाएंगे कि इधर क्या है कैसा और इधर क्या है कैसा। तो एक हमारे पास होता है, पहला हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम कहते हैं, और हिंदी को हम लोग ने इसी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ताकि दोनों साथ में होता जाए। और इसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं भैया, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो हम जान गए कि ठोस हमारे पास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। तो हम दोनों में इधर अंतर लिखते जाएंगे तो क्रिस्टली का भी हो जाएगा, अक्रिस्टली का भी हो जाएगा। आपसे अगर केवल क्रिस्टली का पूछते हैं तो आप केवल क्रिस्टली का बताइए लिखिए, अगर आपसे अक्रिस्टली का पूछते हैं तो अक्रिस्टली का बताइए। और हमको जब इसके पॉइंट्स, हमको इसके लक्षण याद रहेंगे तो हम लोग दोनों ही क्या है भली भांति कर लेते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा निश्चित तौर से पे NCERT लेके ही बैठिए, ताकि आपको पूरी तरीके से क्या होता है वो फिक्स रहे कि हमको NCERT ही पढ़नी है। आप जानते हैं कि हम लोग सिर्फ NCERT पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले इसमें क्या डालते हैं, क्रिस्टली ठोस का आकार। पहला लक्षण क्या है हमारे पास, आकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, क्रिस्टली ठोस का आकार क्रिस्टलीय, रुक जाओ भैया दो बार ला होगा, क्रिस्टलीय ठोस अभिलाक्षणिक लक्षण के होते हैं, अभिलाक्षणिक लक्षण के होते हैं। मतलब जानते हैं, इसमें कहने का मतलब क्या है कि इनका जो हमारे पास आकार है, कि इनकी जो ज्यामिति है हमारे पास यह निश्चित होती है। तो ये हम क्या करेंगे कि इसी को हम कह रहे हैं पहला पॉइंट, कि क्रिस्टली ठोस अभिलाक्षणिक लक्षण के होते हैं। पहला इसमें हमारे पास क्या है,
इनकी ज्यामिति क्या होती है? आकार कहेंगे। ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति निश्चित होती है। अर्थात इनका आकार क्या है? निश्चित है। ठोस तो वो भी है जिसका आकार निश्चित है, लेकिन इनके क्या है, इनकी सबसे बड़ी बात यही है कि निश्चित अभिलक्षणिक क्या होती है? ज्यामिति आकार होता है ना। और इसमें क्या होती है हमारे पास, इनकी ज्यामिति दूसरे में क्या लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों की, ठोसों की अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। आइए अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारे पास ना। ये दूसरा पॉइंट इसमें क्या है भैया, देखिएगा दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, अब बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं कि क्रिस्टली और अक्रिस्टली, तो हम क्या कहेंगे कि एकदम फिक्स होता है इनका दूसरा पॉइंट है हमारे पास गलनांक। तो ये क्या होता है, इनका निश्चित गलनांक होता है, निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक का मतलब कि ये जितना है, जैसे हम कहें कि ये डस्टर है कुछ है या लकड़ी है या लोहा है या कुछ और भी है, कोई भी सॉलिड है, कि इसको हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही इसको पिघला सकते हैं, उससे पहले ये नहीं पिघलने वाला है, तो वो उससे पहले नहीं पिघलेगा। हम डस्टर को एक मान लीजिए ताप होगा, कुछ भी होगा कि हम क्या देंगे 200-400 डिग्री अगर टेम्परेचर देंगे तब ये जाके क्या है पिघलेगा, नहीं तो ये नहीं पिघलेगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होंगे, कम ताप पर भी क्या होते हैं पिघलते हैं और ज़्यादा ताप पर भी पिघलते हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। नहीं होता है, जैसे आप मोमिया वगैरह देखे हैं वैसे ही डस्टर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो अक्रिस्टलीय ही है क्योंकि प्लास्टिक का बना है। इनका गलनांक क्या है, अनिश्चित होता है। जैसे आप पन्नी को देखे हैं, मोमिया को, झिल्ली को, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर कम भी ताप दीजिए तो भी वो सिकुड़ने लगती है, ज़्यादा ताप दीजिएगा और ताप बढ़ाइएगा तो क्या है पिघलने लगती है, टुप टुप क्या चूने लगती है। लेकिन अगर हम कहें कि लकड़ी को या लोहे को कम ताप दें तो वो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। लेकिन पन्नी, सबसे सिंपल सा एग्जांपल यही है मेरे पास कि हम आपको बता दे रहे कि पन्नी या मोमी या झिल्ली जिसको आप कहते हैं, पॉलीथीन जिसको कहते हैं, जाके देखिएगा वो माचिस की एक तीली से भी जो है हल्की सी तीली बुत गई है, फिर भी उसमें छुआइए क्या होता है, वो क्या करती है छेद हो जाती है, फैल जाती है ना, सिकुड़ जाती है, और जैसे जैसे आप ताप आऊ बढ़ाते जाते हैं वो टप टप क्या है चूने लगती है, पिघलने लगती है। तो इनका निश्चित क्या है, गलनांक नहीं होता है, लेकिन इनका गलनांक निश्चित होता है। निश्चित गलनांक का मतलब ये होता है कि निश्चित ताप पर ही ये क्या है पिघलते हैं, और ये क्या है कम से ज़्यादा ताप भर भी जो है अपना आकार बदलने लगते हैं और पिघलते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, हम देखेंगे कि ये जो तीसरा पॉइंट है कि क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, ये एकदम क्या होगा, अगर हम कहें कि क्रिस्टलीय ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोस को ना तेज, क्रिस्टलीय ठोस को तेज धारदार हथियार से काटने पर ना स्मूथ सरफेस सरफेस, मतलब क्या है स्मूथ सरफेस का मतलब चिकनी सतह प्राप्त होती है, क्या कहेंगे चिकनी सतह प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखिए इनको क्या करेंगे कि अगर तेज़ धारदार हथियार से काटने पर, तेज़ धार
धार हथियार से काटने पर, काटने पर खुरदुरा सरफेस मिलता है। खुरदुरा सतह, क्या कहेंगे, खुरदुरा सतह मिलता मिलती है, या क्या कहेंगे, खुरदुरी सतह मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रिस्टलिक होते हैं उनको हम अगर क्या है तेज़ धारदार हथियार से काटेंगे तो इसमें क्या होगा, स्मूथ सरफेस, जैसे हम फिटकरी को पटक के फोड़ दें या अन्य चीज़ों को पटक के फोड़ दें तो क्या होता है बताइए, जब हम उसको पटक के फोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलेगा ना, स्मूथ सरफेस, दोनों जो सतह मिलेंगी हमको स्मूथ चिकनी होंगी। लेकिन अगर हम ये अक्रिस्टली को काटेंगे, अक्रिस्टली को फोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग क्या करेंगे, इसमें खुरदुरा ही तो मिलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, अक्रिस्टली कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अभी हम आगे चलते हैं पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो जिनको नोट करना होगा नोट करेंगे, हम ऊपर से मिटा रहे हैं। अभी इसमें और हमको देखना है क्रिस्टली और अक्रिस्टली में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है भैया, ये मत सोचो छोड़ के भागो, वीडियो क्या है कई बार में देखो, एक बार में नहीं दिख पा रहे हैं तो कई बार में देखिए, आदत डालिए बेटा, इसीलिए पूरी तरीके से 100% NCERT, और ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आए पूरी तरीके से हिंदी में हम लोग क्या है लिख रहे हैं ना, और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास आइए हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टली वाले में क्या होता है, क्रिस्टली वाला फोर्थ, ये क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोस दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घपराशी का मतलब भैया आप देख लो क्या होता है कि इनका ऑर्डर अगर हम ऐसे 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 बनाए हैं, ऐसे ऐसे बनाते जाना, जैसे बड़े बच्चों को लाइन पे खड़ा करो तो क्या होता है, बड़ी दूर तक लाइन पे खड़े रहेंगे, क्या है सीधे सीधे जैसे आर्मी वाले वगैरह होते हैं ना, पूरी दूर तक लाइन में एकदम खड़े रहेंगे जैसे उनको कर दो। और छोटे बच्चा का करो, प्रेयर भी होता रहता है तो छोटा बच्चा क्या करता है, ऐसे झांकने लगता है, 2 मिनट बाद झांकने लगेगा ना, लाइन क्या है टूट जाएगी। तो इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब ये वेल बैलनर होते हैं, जिस हिसाब से इनको रखिए उसी हिसाब से वो रहते हैं और दूर दूर तक हो सकता है ना, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, दीर्घपराशी होते हैं ना, क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय लघु पराशी होते हैं, अक्रिस्टलीय लघु पराशी होते हैं। ये क्या होंगे, लघु पराशी हो गया, अभी बताया ना कि छोटा बच्चा बस पुल पुल बार बार क्या है निकल जाएगा लाइन से, क्या हो जाएगा पूरा बार बार लाइन से निकल जाता है ना, हम लोग जानते हैं ये। आइए अब ये बताइए इनकी क्या होगी, गलन एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम लोग जानते हैं ना, क्या कहते हैं ऊर्जा, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है का मतलब ना बहुत ज़्यादा होती है, उच्च होती है। और इनकी पांचवे में क्या लिखेंगे, गलन एंथैल्पी कम होती है, गलन एंथैल्पी कम होती है, कम होती है, मतलब ये कम ही ताप पे इनका काम हो जाता है। आइए सिक्स छठे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, ये क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, क्या होते हैं विषम दैशिक, विषम दैशिक होते हैं। और ये क्या होते हैं छठवें में इनका, ये सम दैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। अब भैया आप जानते हैं कि समदैशिक और विषमदैशिक में अंतर क्या है, समदैशिक में ऐसा है भैया और विषमदैशिक में ऐसा क्या है, जिसका भौतिक गुण, आप समदैशिक और विषमदैशिक क्या होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसका
भौतिक गुण जैसे क्या होगा? ताप, गलनांक ना हमारे पास, और क्वथनांक, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होता है। विभिन्न ये क्या है? भौतिक गुण ना, ये क्या है? ताप, गलनांक, क्वथनांक ना, विभिन्न गुण, भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। इसे हम क्या कहेंगे भैया, बताइए? विषम दैशिक, मतलब अलग अलग दिशाओं में उसके भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अलग अलग दिशाओं में उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ये क्या होता है? बदल जाता है अलग अलग। लेकिन अक्रिस्टली वाले का हर दिशा में भौतिक गुण क्या होता है? समान होता है, इसलिए उसे समदैशिक कहते हैं। तो इसका भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि समदैशिक क्या हुआ। समदैशिक हमारे पास वो हुआ कि जिसका क्या होता है, सभी दिशाओं में या हर दिशा में ना, सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान होता है। यही बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, जैसे सत्य है, सत्य सत्य के आगे अ लगा दिए तो क्या है? असत्य है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा है, समदैशिक क्या है? क्रिस्टली वाला होता है, लेकिन विषम दैशिक अक्रिस्टली वाला होता है। ऐसा नहीं है, जो विषम दैशिक है वो क्रिस्टली वाला होता है, आप याद रखिएगा। इसको हम लोग एन आइसोटॉपिक कहते हैं, और इसे आइसोटॉपिक कहा जाता है। मतलब इसके भौतिक गुण अलग अलग दिशा में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका भौतिक गुण ना हर दिशा में एक ही जैसा रहता है। तो याद रखिएगा, समदैशिक क्या कौन सा होता है और विषम दैशिक कौन सा होता है? विषम दैशिक आपका क्रिस्टली होता है, और समदैशिक आपका कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय होता है। अब हम सातवें पॉइंट की तरफ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको मिटाना है क्योंकि थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जिनको नोट्स बनाना है, और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए, जो आपको पॉइंट्स अच्छा लगे वो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो हम सातवें पॉइंट में चलते हैं कि हमारे पास कौन सा ठोस क्या है, वास्तविक ठोस है, और कौन सा ठोस क्या है, आभासी ठोस है। अब हमको ये देखना है, तो हम लोग जानते हैं, आओ भाई लोग, क्रिस्टली ठोस को हम क्या कहते हैं? वास्तविक क्रिस्टली ठोस, वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। ये मेरा सेवंथ पॉइंट है, और ये भी क्या है? सातवां पॉइंट होता है कि ये बताइए, आभासी ठोस अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। अक्रिस्टली ठोस आभासी ठोस होते हैं, मतलब ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, ये केवल आभासी ठोस होते हैं। अब देखिए, इनको आभासी ठोस क्यों कहा जाता है, यही हम लोगों को जानना जरूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको पूछते भी हैं, क्योंकि क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में रुको, इससे पहले एक पॉइंट और है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आभासी ठोस होते हैं। अब आभासी ठोस को हम क्या कहते हैं? इसलिए ये आभासी ठोस होते हैं, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव्य ना, इंग्लिश में अगर लिखें तो सुपर कोल्ड लिक्विड,
लिक्विड कहते हैं, सुपर कूल्ड क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। क्या होता है भैया, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, सुपर कूल्ड क्या है, लिक्विड कहा जाता है हमारे पास। तो यही हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि सुपर कूल्ड लिक्विड इसको कहा जाता है, क्योंकि हम रीज़न यही है कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, यही बताना है। अतिशीतित द्रव्य, देखिए अगर भैया थोड़ा सा पाई मात्रा इधर उधर हो जाती है काठो, तो आप लोग उसको जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आजकल हिंदी में लिखना बहुत टफ वाला काम है। तो अतिशीतित द्रव्य सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आपका क्वेश्चन यही बनता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न हमारे पास ये है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, आपको आंसर देना है कि ऐसा रीज़न इसका ऐसा क्यों है ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहाव की क्षमता पाई जाती है ना अक्रिस्टलीय ठोसों में। यह बहाव बहुत मंद गति से होता है, यह भाव क्या है, बहुत मंद गति से होता है। देखिए ये आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट से भी वेरी इम्पॉर्टेंट आप चाहे तो वेरी इम्पॉर्टेंट आप इसको कर सकते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा भैया ये सिर्फ ना किसके लिए है, क्वार्ट्ज ग्लास के लिए है। तो क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, अभी हम बताते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम बताते हैं थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, इसीलिए हमने ऊपर ही लिख दिया है, तो आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम हटाते हैं, अब इन सब पूरे को हटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास बस एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे, बाकी सब जो है हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों के बारे में। तो क्योंकि अब हमको क्रिस्टली ठोस ही पढ़ना है, अक्रिस्टली ठोस पढ़ना नहीं है, तो हम लोग क्रिस्टली ठोस का केवल एक एग्जाम्पल लेंगे और अक्रिस्टली के ठोस के एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखो लाइन में ये बीच में ये कर दिया है कि कांच के लिए ही वो यूज होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। या ये देखेंगे ये क्या होता है, इसका क्या है, क्वार्ट्ज, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखें, अगर उदाहरण में देखें तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को हम क्या कहते हैं, SiO2, मतलब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास की बात करें, क्वार्ट्ज ग्लास है, ये भी फार्मूला उसका यही होगा। ये क्वार्ट्ज है भैया, क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टली होता है, मतलब क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन ये क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस। क्यों, रीजन हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को उच्च ताप पर न पिघला कर न एकाएक बहुत ठंडा किया जाता है ना, जिससे उसके कण क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, रुक जाते हैं, सीज हो जाते हैं, क्या कहेंगे, जम जाते हैं, मतलब इसको पिघला कर क्या है, जमाया जाता है, बहुत ही ठंडा करके, बहुत पहले गर्म करेंगे, बहुत क्या, खूब तेज़ी से बहुत पहले गर्म करेंगे और उसको एकाएक फिर ठंडा, जैसे हम लोगों के घर में हाथी घोड़ा ये क्या कहते हैं दीपावली वाला बनता है,
तो देखिए सांचे में क्या है, सब कुछ उकर के और फिर सांचे में सीधे एकाएक सीधे उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। सांचे में क्या करते हैं, सीधे सीधे उसको डाल देते हैं और उस सीधा सीधे क्या करता है, वहीं पे जम जाता है। और हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास, हमको जिस आकार का हम हाथी घोड़ा गट्टा चाहते हैं उस आकार का हमको हाथी घोड़ा गट्टा वगैरह मिल जाता है ना, तो हमको उस आकार की चीज़ें मिल जाती हैं। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, वही देखिए जो बड़े बड़े स्टोन्स पत्थर तोड़े जाते हैं उनको हम बहुत तेज़ी से क्या है, बहुत उच्च ताप पे गर्म करते हैं और फिर एकाएक उसको ठंडा कर देते हैं, तो इसी वजह से वो कांच बन जाता है। और कांच को, क्वार्ट्ज ग्लास को हम लोग क्या शुद्ध भाषा में कहते हैं, कांच कहा जाता है, याद रखिएगा कांच क्या कहते हैं, कांच। ये जो कांच है अक्रिस्टली है, मतलब एमॉर्फस है, और कांच को ही इसीलिए अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहाव की क्षमता पाई जाती है और वो बहाव की क्षमता क्या होती है, बहुत ही मंद होती है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें वो मिलेगा कि जो हमारे पुरानी इमारतें हैं, स्कूल कॉलेज या बहुत ही पुराने राजमहल वगैरह हैं, तो उसमें 25 से 30 साल में जो होता है कि कांच जो होता है ऊपर की तरफ पतला और उसका जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है, वो नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके कणों में बहाव की क्षमता पाई जाती है और उनके कण धीरे 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 करके नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं, इसलिए बेस पर वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, आधार में वो मोटा हो जाता है ना। तो इसीलिए वो आपसे पूछते हैं कि एग्जाम्पल में आपसे पूछेंगे क्यों पुराने भवनों की क्या हैं लगे कांच, खिड़कियों के कांच मोटे हो जाते हैं नीचे, तो आपको यही बताना है कि वह अतिशीतित द्रव्य है और उसमें क्या है, कणों में उसके गति करने की क्षमता पाई जाती है ना, और वह गति बहुत ही मंद गति से होता है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। अब हम लोग जो है ताकि और भी अच्छे से अच्छी वीडियो आपको बताएँ, और केमिस्ट्री का अब आपको रेगुलर जो है वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ना, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत माता। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। वंदे मातरम।